नमस्कार, जय जुहार, सुप्रभातम साथियों। आज मैं पहुंचा हूं धनबाद जिला में, और धनबाद जिला में दोस्तों चिहाटी धाम करके एक राम जी का मंदिर है, और वो मंदिर दोस्तों काफ़ी भव्य है और काफ़ी सुंदर है, वो आपको अभी दिखाऊंगा। और मंदिर में राम जी का दर्शन करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ले चलूँगा मनोज दे भैया से मिलाने। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मनोज दे सर से मिलने के लिए, तो चलते हैं, बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। दोस्तों काफी अच्छा मंदिर है, यहाँ पर काफी खूबसूरती से बनाया गया है, बहुत अच्छा फील है इस मंदिर में आके दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई पहुंच चुका है धनबाद, और ये है दोस्तों धनबाद का लुक कुछ इस प्रकार का। जैसे कि आप लोगों से पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि मैं आज मनोज दे से मिलने जा रहा हूं, तो दोस्तों मैं उनके गांव की तरफ अब जा रहा हूं, और रास्ते में दोस्तों मुझे मिल गए एक ऐसा बंदा जिनको मनोज दे सर के बारे में, घर के बारे में सब कुछ का पता था। तो दोस्तों आइए उनसे मिलाता हूँ आपको। हेलो गाइस। दोस्तों मुझे तो कुछ भी नहीं पता था मनोज भैया का, गाँव का नाम सिर्फ पता था, उसी को लेके मैं चलता जा रहा था। लेकिन जब रास्ते में राजू जी मिले तो इनसे कुछ हेल्प मिली, लगता है इनको शायद पता है, तो इनके साथ जाने के कोशिश हम करेंगे, है ना भैया। देखिए मनोज दे का घर यहाँ से जो है आपका 6 किलोमीटर का दूरी में है, ठीक है। और मनोज दे का घर हमें मालूम है कहाँ पर ये है। हालांकि जो है मनोज दे सर बहुत ही बेस्ट आदमी है, बहुत ही अच्छा है, जो कि हर किसी का मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो ये भाई को जो है जाना था, तो वही तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम बोले ठीक है चलिए हम लेके चलेंगे। और हम किसी काम से ये रास्ता से गुजर रहे थे, तो ये भाई मिल गए, तो नहाए धोए यहीं पर ही जो है नहा हुआ के फ्रेश हो गए हैं, और फिर अभी जो है चलिए इनको मनोज दे का घर लेके चलते हैं। ऐसे तो जो है मनोज दे जल्दी घर में मिलते नहीं हैं, तो देखते हैं अगर घर में होंगे तो इनसे मिल लेंगे, क्योंकि जो ये जो भाई भुवनेश्वर से आए हैं आप लोग जान ही रहे हैं, तो इतना दूर से कोई भी अगर आते हैं तो मनोज दे का फर्ज बनता है मिलना, और वो मिलते भी हैं। तो चलिए देखते हैं घर में होंगे तो इनसे मिल लेंगे, और नहीं मिलते हैं तो फिर आप लोग को वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो हमारे एक दोस्त भी आए हुए हैं इधर में, तो हम और हमारे दोस्त जो है इनको ले करके जाएंगे, और नाश्ता उस्ता भी अभी तक जो है भाई किए नहीं है, तो चलिए नाश्ता भी करेंगे, और हम लोग भी नहीं किए तो साथ में नाश्ता करेंगे। तो गाइस देख सकते हो जब एक यूट्यूबर दूसरा यूट्यूबर से मिलता है तो कितना प्यार मिलता है। ये हमारा यूट्यूब एक फैमिली है दोस्तों, हर किसी ने कहा है यूट्यूब एक फैमिली है, सचमुच में आज पता चला। तो एक चीज और बताना चाहेंगे, भाई को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, ये बस इतना ही आप लोग से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और मेहनत। और इनका साइकिल भी देखिए कैसा साइकिल से आए हैं मनोज दे का जो है मनोज दे से मिलने के लिए, बताइए। ये साइकिल से जो है भुवनेश्वर से आने का मतलब समझ ही रहे हैं, वो भी अभी धनबाद में है, तो कितना किलोमीटर दूरी जो है तय करके आए हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रगल वाला लाइफ रहा है। बहुत मुश्किल काम है भाई एकदम साइकिल से चलना, इसलिए भाई को जितना हो सके सपोर्ट करिए और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए, चलिए चलते हैं। ये जो गांव आपने देख रहे हैं दोस्तों, ये मनोज दे भैया का गांव है। तो हम वापस खाना बना खा के नाश्ता करके उनके घर जा रहे हैं। सो गाइस आपका भाई इन भैया के साथ पहुँच चुका है मनोज भैया के घर, और आप देख सकते हैं ये है मनोज भैया के घर, और यहाँ लिखा है विदाउट परमिशन अंदर जाना मना है। तो अभी परमिशन लेने की बारी है। ये है एक यूट्यूबर जिनका 50K सब्सक्राइबर। मनोज भैया क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। मनोज भैया क्या घुमा रहे थे तू? हां हां मैं तुम्हारा आराम कर रहा हूं। बोले तू बोले भुवनेश्वर रहा है इसी बेचारा। हां तू बोले ना भुवनेश्वर रहा है इसी के नाम सामने उड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। बस अभी 11 बज चुका है, और दोस्तों मनोज जी भैया जो है कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं, तो उतने देर में हम खाली तो बैठने वाले नहीं है, तो हम नाश्ता करने चले गए। और हम खा रहे हैं क्या है भैया, ये सांभर वड़ा है आपका।
सामल वड़ा जैसे दही वड़ा टाइप का है, दही वड़ा टाइप सेम है लेकिन दही वड़ा ही समझ लिए, लेकिन दही इसमें नहीं है, इसमें दही नहीं है, इडली के साथ में। हाँ इडली के साथ में ये सांभर मिलेगा, सांभर वड़ा। सांभर वड़ा खाने का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, और हम जो है फास्टिंग किए हुए इसीलिए हम सांभर वड़ा नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा सकते आज फास्टिंग के हिसाब से। भैया का उपवास है तो हम खा रहे हैं, उनके सामने तो पेट में तो चूहा दौड़ते होंगे, समझ रहे हो। दोस्तों ये एरिया जो है दोस्तों पूरा पूरी प्रदूषण प्रदूषित एरिया है दोस्तों, कितना धूल। और ये तो बरसात अभी खत्म ही हुआ है, अगर गर्मी के महीने में आएंगे तो क्या है यार, देख सकते हो बहुत ज्यादा धूल उड़ता है क्योंकि कोलवारी एरिया है। हाँ क्योंकि ये कोयल्स माइंस एरिया है तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है यार। मीटिंग कर रहे हैं इसी एरिया में, तो वहाँ कार खड़ी है मनोज देव भैया का, देख सकते हो ब्लैक कलर का एकदम। साथियों बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैं सुबह के 9 बजे मनोज देव सर से मिलने आया था, लेकिन दोस्तों अभी सुबह के 4 बज चुका है और अब जाके मुझे मिले, लेकिन उन्होंने बोला कि तेरे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरे साथ वीडियो मत बना, सिर्फ फोटो ले सकता है दोस्तों। तो बहुत ही बुरा लगा यार, एक वीडियो भी नहीं बनाने दिया उन्होंने, तो सिर्फ एक फ़ोटो लिया जो आपको दिखाऊंगा आगे जाके। लेकिन अगर मेरे बारे में कुछ बोल देते, मैं समाज के लिए अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ तो क्या ही बुरा हो जाता उनका, तो मेरे लिए भी कुछ ना बोला और मुझे भी शूट करने नहीं दिया तो अच्छा नहीं लगा दोस्तों। लेकिन मिल ही लिया, काफ़ी बड़े आदमी है, आखिरकार पूरा एक दिन वेट करने के बाद सुबह के 9 से शाम के 4 बजे तक वेट करना पड़ा उनसे मिलने के लिए, और उतना अच्छा नहीं लगा यार मिल के, बहुत ही बुरा लगा।